तुम्हें खाने को नहीं मिलता क्या? खाना खाती हो या नहीं? क्यों इतने पतली हो? क्यों नहीं? ये सब सवाल परेशान करके रखा है बचपन से लेके आज तक, अभी तक, क्योंकि हर कोई मेरे शरीर को देख के यही पूछता है कि खाना नहीं मिलता क्या? और ये क्या सवाल होता है कि घर वाले तुम्हें खाना नहीं देते क्या? अरे हर कोई घर वाले अपने बच्चों को देते हैं, कैसे नहीं देगा? खाना मिलता है, किन वक्त का खाना खाने को मिलता है, लेकिन भी मेरा शरीर ऐसा है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, मुझे खाने को नहीं मिलता। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें बिना जाने तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए। कोई कोई लोग तो आके ये भी बोलते हैं कि टीबी बीमार है, ये बीमार है, कैंसर है, वो है। ये सब बीमारी मजाक नहीं है ना कि तुम दूसरों के शरीर को देख के ये बोलो कि तुम्हें वो बीमार है, वो नहीं। अरे प्रॉब्लम जानो। हाँ मानती हूँ मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे टीबी है, ये है, वो है। और ये कुछ लोग ऐसे कि वो टीबी बीमार बोलने वाले मुझे छोड़ो, मेरे एवरेज के लोग 100-100 लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि इनबॉक्स में वो हमेशा मैसेज करते हैं लड़कियों को और उनसे रिप्लाई नहीं मिलता, तो उसके वजह से फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर भी उतार देते हैं कोई कोई। ये भी प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करना, ये सब, इसका ये मतलब इसे देख के तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में करियर का टेंशन होता है। जैसे कि हम जितने आगे पढ़ाई कर रहे हैं, जितना डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद हमें यह टेंशन रहता है कि हमें नौकरी मिलेगा कि नहीं, हम फैमिली को देख सकेंगे कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी वही टेंशन है, और वो टेंशन तो हर किसी को रहता ही है ना। इसका ये मतलब नहीं तुम उसके शरीर को लेके बोलोगे कि तुम ये है, वो है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, ये ब्रेकअप, वो ब्रेकअप, अरे बच्ची नहीं हूँ मैं, अपने शरीर के बारे में तुम लोगों से ज़्यादा मुझे अपनी फिक्र है। तो जितना खाना खाना है मैं खाती हूँ, और माँ बाप भी मुझे बिल्कुल खाना देते हैं, समय समय पर पैसे भी डाल देते हैं। और तुम लोग तो कभी पूछा नहीं कि ऐसे रिलेटिव भी होते हैं, तुम खाना नहीं खाते क्या? तुमको खाना नहीं मिलता है क्या? खाना अच्छे से खाओ। कभी तो ये नहीं बोलते बेटी तुम्हारा अकाउंट नंबर दो, मैं कुछ खाने के लिए डाल देती हूँ, पैसे डाल देती हूँ, ताकि तुम उससे अपने पसंद की चीज़ खा सको। कभी बोलते नहीं हो, ना ही कोई दोस्त ऐसा बोलता है। पर मेरे शरीर को लेके तुम इतना पतली है, तुम क्या हो गया, तुम्हारे बदन को क्या हो गया, लड़के से ब्रेकअप हो गया क्या? बहुत अच्छा लगता होगा ना बोलना ऐसा। और इसका यह मतलब नहीं कि कोई इतना ज़्यादा मोती है, उसका यह मतलब नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खाती है, उसके घर में बहुत खाने के लिए है, वो बहुत अमीर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या बीमारी हो सकती है, जैसे कि बहुत बड़ा बीमारी तो नहीं है, पर मुझे भी हमेशा हर समय बीमार से गुजरती हूँ। ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि कोई पतली है, कोई मोटी है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग हमेशा उसे बोलते रहोगे तुम मोटी हो, पतली हो, और ऐसा बोल बोल के उल्टा तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। क्योंकि हर एक किसी को मैं मैसेज नहीं कर सकती ना कि तो उन्हें रिप्लाई करूं कि मैं इसलिए पतली हूँ, मैं इसके लिए मोटी हूँ, मैं इसके लिए ये है, वो है, वो सब कुछ रीज़न मैं नहीं बता सकती। इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक मुझे यही बात सुनाई देता है कि तुम क्यों इतने पतली हो, खाना नहीं मिलता क्या, घर वाले खाना नहीं देते क्या? बिल्कुल ये सवाल, सेम सवाल हमेशा यही सुनने को मिलता है हर किसी से। कभी ये कोई नहीं कहता कि तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, मैं पैसे दे देती हूँ, तुम खा लेना, ये सब बिल्कुल नहीं बोलते। परेशान हो गए इन सवालों से। लोगों के पीछे की कहानी बिना जाने लोग बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल कर करके हमेशा मैं इग्नोर करती हूँ, पर कभी कभी दिल पे लगता है ना। मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ कि मैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, ऐसा ज़्यादा सोचती हूँ तो बहुत कमज़ोर फील होता है। इसीलिए मैं जितना होती हूँ अपने आप को इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि मैं पतली हूँ, कमज़ोर हूँ शरीर से। पर तुम लोग हमेशा कमेंट करके, मैसेज करके मुझे यही याद दिलाते हो कि मैं शरीर से कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ। ये बात तुम लोग हमेशा याद दिलाते हो, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा याद दिलाना। अगर मैं अपने शरीर से खुश हूँ तो तुम लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत काला है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी मर्जी से काला है। अगर कोई बहुत मोती है, इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी मर्जी से मोती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई कोई नेचुरली भी होता है, और मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा है। हाँ मानती हूँ कि समय के साथ मैं और दुबली होती जा रही हूँ, पर इसका कारण भी तो तुम लोगों का कॉमन सेंस है तो पता चल जाएगा। क्योंकि जितना लाइफ आगे बढ़ रहा है उतना ही टेंशन है,
कि ये है वो है फैमिली लाइफ ये सब के बारे में सोच सोच के, वो भी एक टेंशन है और ऊपर से बीमार रहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग हमेशा मेरे शरीर को लेके बोलोगे, अगर कोई पतली है काला है मोटा है तो हमेशा उसे लेके बोलोगे, उसका नेचुरली भी हो सकता है, ये बात तुम लोगों को भी समझना चाहिए, हमेशा बोलना ठीक नहीं है। इसीलिए कृपया करके बार बार मुझे ये ना जताए कि मैं पतली हूँ मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है तो नेगेटिव भी कमेंट कर लेती हूँ रिप्लाई, तो इससे लोगों के दिल को तेज पहुँचता है, तो वो मैं नहीं चाहती कि तेज पहुँचे, क्योंकि जब हमेशा इधर उधर से सुनती हूँ हर जगह से शरीर को लेके सुनती हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए कभी कभी गुस्से में आके बहुत रूडली जवाब दे देती हूँ, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, पूरा मेरी बात को सुन रहे हो, क्योंकि जितना मुझे बोलना था बोल लिया, उसके बाद अगर इसमें भी तुम लोग बार बार वही सेम चीज़ लेके कमेंट करते हो तो खुद ही भुगतो, क्योंकि बार बार इग्नोर नहीं कर सकती ना, क्योंकि इग्नोर करना चाहिए तुम लोगों को, क्या बोलने वाला बोलते रहेगा ये करते रहेगा, अरे हमेशा बोलने वाले बोलते रहेंगे वो मुझे भी पता है, और हमेशा मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, पर जब हमेशा वही चीज़ सेम चीज़ दिखाई देता है ना तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए कृपया करके।